बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। तो जौ के दलिए के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून दलिया, मैं ले रही हूँ। और इसे मैं धोकर अच्छी तरह इसे मैं धो लूँगी और इसे फिर पानी डालकर इसको चढ़ा दूँगी और चूल्हा खोल दूँगी। तो ये मैंने पानी डालकर इसमें इतना पानी डाल दिया है कि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा, अभी मैं ये इसमें उबाल आ जाता है तो मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जब ये गल जाएगा तो मैं आगे स्टेप आपको बताऊँगी। तो इसमें उबाल आ गया, ये देखें, ये भी ऊपर तलक आ गया है दलिया भी। इस तरह से आप इसको अंदर कर दें और इसमें कम आँच करके इसको और ढक के रख दें। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, ये इतना गल चुका है, तकरीबन 90% 90%। तो अब मैं इसे 10 मिनट दूध के साथ पकाऊंगी। ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है। ये तकरीबन मैं 1.5 कप दूध डाल रही हूँ और इसको मैं पका लूँगी। थोड़ा ये गाढ़ा होता है तो मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप ना डालें, ऐसे ही खा लें, या कम डाल लें, शहद डाल लें। तो ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं 10 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ये शुगर और ब्लड प्रेशर, मोटापा और कई बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर खाया करें। और सबसे बड़ी बात, हमारे नबी का फरमान है, आप बीमारी में ये तरबीना खाएं बना बना के, जौ का दलिया। हल्की और मुफीद गिज़ा है। तो ये मैं 4 टेबल स्पून ही मैंने लिया था दलिए का और 4 टेबल स्पून ही मैंने फ़िलहाल चीनी डाल दी है। अगर मुझे ज़्यादा खाना होगा तो मैं ज़्यादा ऊपर से और डालूँगी, वरना ये काफ़ी रहेगा, क्योंकि मुझे भी शुगर है, लेकिन मैं खा लेती हूँ मीठा फिर भी। तो थोड़ा ये गाढ़ा होता है तो तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप खुश्क मेवा कुछ भी आप अपनी पसंद का डालकर खा सकते हैं। तो ये देखें, बनके बिल्कुल हो गया है तैयार। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। ये देखें, अब मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाऊंगी। ये हो गया बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो इसमें शहद डालकर खा सकते हैं, चीनी स्किप कर दें, चीनी बिल्कुल ना डालें, और शक्कर आप कम ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डिश में निकाल के बताती हूँ। तो ये देखें, ये बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। मैंने प्यालियों में निकाल लिया है। मैंने एक प्याली आपको बनाकर दिखाने के लिए ये रख ली है। ये मैंने इस तरह की 4 प्यालियाँ तैयार की हैं। 4 टेबलस्पून में 4 प्यालियाँ तैयार हो गई हैं। आप मीठा कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है, आप कितना रखेंगे, ठीक है।
तो अब चलते हैं, चलते चलते मैं एक बात कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।